Hey, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियल क्रिकेट टीम के न्यू अपडेट के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे अल्ट्रा एज और साथ साथ टेस्ट मैच के अपडेट के रिलीज डेट के बारे में। तो आज की वीडियो में इसके बारे में आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलने वाले, तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा अंत तक देखेगा, जिससे होगा कि आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लग जाएगा। तो बिना ज्यादा वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो भाई, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। उससे होगा क्या, आप मेरी सबसे पहले गेमिंग वीडियोस देख पाएंगे। और भाई, आज की वीडियो जो है लाइक का टारगेट रखने वाले हैं, आज की वीडियो पे हम लाइक का टारगेट रखेंगे 200 लाइक्स का। जल्दी से जो आप इस वीडियो पे जो है 200 लाइक्स का टारगेट को आप कंप्लीट कर दीजिए। तो अब हम बात कर लेते हैं रियल क्रिकेट 18 का न्यू अपडेट के रिलीज डेट के बारे में। तो भाई, जैसा कि आपको पता ही होगा, रियल क्रिकेट 18 का न्यू अपडेट आ रहा है, जिसमें हमें जो है टेस्ट मैच का अपडेट देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बाद कंपनी ने फैसला ये लिया कि हमें जो अब अल्ट्रा एच का भी अपडेट देखने को मिलेगा, जिसमें हमें हॉटस्पॉट और स्निकोमीटर दोनों के दोनों ही हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो भाई, अब जो ये अपडेट है, ये अपडेट जो है इसमें बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, कम से कम 1.5 महीना जो है ये डिले हो चुका है, क्योंकि जुलाई की एंडिंग में जो है ये आने वाला था, उसके बाद फिर अगस्त भी चला गया, अब जो है सितंबर आ चुका है। तो अभी भाइयों, ये बहुत ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे ये पूछ रहे थे, हर वीडियो पे कमेंट आ रहे थे, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि भाइयों हर वीडियो पे एक ना एक कमेंट आता था एक ना एक बंदे का। अगर आपको यकीन है, बहुत सारे आप इस वीडियो पे भी आप देखोगे, अगर आप बहुत सारे बंदों ने जिन्होंने डिमांड की थी वीडियो के लिए, आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि आपने डिमांड की थी इस वीडियो के लिए, तो एक बार ज़रूर लिखेगा ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स जो बाकी जिन्होंने नहीं की थी उनको भी थोड़ा सा जो है विश्वास हो जाए मेरे पे। तो बहुत ज़्यादा डिमांड थी यार इसकी, यार एक वीडियो बनाओ इस पे जिसमें आप हमें बताओ इसके रिलीज डेट के बारे में। तो भाई, डिले तो बहुत हो चुका है, लगभग 1.5-2 महीना तो इससे हो चुका है डिले। लेकिन भाई, अभी तक जो है इसका कोई, अभी तक इनकी कंपनी ने ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। अगर अभी ये करते भी है तो यहाँ पे साथ हमें ये बताएंगे कि हमसे जो है थोड़ा सा डिले हो गया वगैरह वगैरह। तो भाई, जहाँ तक की अंदर की जो बात है, इनके जो डेवलपर्स की बात ऐसे निकल के आ रही है, ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे हैं इनके कंपनी से। तो हुआ क्या कि जो टेस्ट मैच का अपडेट है वो तो इनका कंप्लीट हो चुका है, टेस्ट मैच इन्होंने बना दिया, लेकिन जो हॉटस्पॉट का यानी कि अल्ट्रा एच का जो अपडेट है उसमें इनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, उसमें जो स्टेबल या नहीं कर पा रहे हैं, उतना कंफर्टेबल नहीं कर पा रहे हैं अपनी गेम के लिए, जिसकी वजह से जो है डिले हो चुका है। हालांकि अल्ट्रा एच का जो अपडेट है उसे भी इन्होंने लगभग ख़त्म कर दिया, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा टेस्टिंग अभी इनकी जारी है और बहुत ज़्यादा काम उस पर अभी भी बाकी है, जिससे जो अल्ट्रा एच का अपडेट जो हमारे लिए आए तो भाई थोड़ा सा टाइम लग सकता है इनको। तो भाई, टाइम ले तो अच्छी बात है, हालांकि बाकी क्रिकेट गेम्स की तरह नहीं, जो कि WCC2 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाकी की बात कर रहा हूँ जो कि अभी जिन्होंने कॉपी मारी थी कि अल्ट्रा एच का अपडेट जो उन्होंने कॉपी मारा था, जो कि बॉल टच होती भी नहीं है, अगर एकदम बेकार सा अल्ट्रा एच है यार, उसका तो समय नहीं आता उन्होंने, पता नहीं ऐसी वीडियो सी लगा दी हुई है, ऐसा आप कह सकते हो वो वैसा अल्ट्रा एच है उनका। लेकिन रियल क्रिकेट 18 जो है अपने काम पे ध्यान दे रही ज़्यादा और अल्ट्रा एच हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर बनाना चाहती है, तो इसलिए भाइयों आपको वेट करना पड़ेगा, सेप्टेम्बर की जो है मिड में आपको जो अपडेट देखने को मिल जाएगा, ऐसा कंपनी ने बताया था। हालाँकि वो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था, अभी वो मेरे फ़ोन में नहीं है, तो उसने जो है कंपनी को मैसेज किया था, तो उन्होंने वहाँ से रिप्लाई में कहा था मिड ऑफ सेप्टेम्बर तक आप वेट करिए, तक जो हम जो है अपडेट ला लेंगे। तो भाई, टेस्टिंग जो अभी जारी है और अपडेट जो हमें मिड ऑफ सितंबर में देखने को मिलेगा, यानी 15 तारीख तक जो है हमें अपडेट देखने को मिल जाएगा। अगर 15 तारीख को नहीं भी बाई चांस अगर कुछ होता है, डिले हो जाता है, क्योंकि कंपनी पे अब डिपेंड है भाई, टेस्टिंग चल रही है, फिर भी अगर कुछ बग्स आ गए तो अगर थोड़ा सा डिले हो भी जाएगा तो इस महीने की एंडिंग तक जो हमें अपडेट देखने को मिल जाएगा। यानी कि बात करें तो 15 अगस्त तो वैसे होने वाला है, 15 सितंबर को तो वैसे होने वाला है रिलीज, लेकिन फिर भी हमें इस महीने तक का वेट करना पड़ेगा, जिससे होगा क्या, वो उनका जो कंपनी वाले अब उसके हिसाब से टेस्टिंग के हिसाब से जो अपडेट को रिलीज़ कर देंगे। वैसे टेस्ट मैच का कंप्लीट हो चुका है, जैसे मैंने आपको बताया अल्ट्रा एच का ही अपडेट रहता है। तो बस आज के वीडियो में आपको इतना ही बताना था, मिड ऑफ सेप्टेम्बर तक जो है ये वाला अपडेट रिलीज़ हो जाएगा। आज के वीडियो में बस आपको इतना ही बताना था, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी जान पाए इस इन्फॉर्मेशन के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरा नाम है तुषार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। बस सूट होने अरमानी दे जी बच्ची वरसाचे जी एलवी गुच्ची वाले कपड़े करे फड़ाएने।